हाय एवरीवन, माय नेम है शिवांश बसीन। वेलकम बैक टू द चैनल द इन्वेस्टोलॉजी। सो गाइस, मार्केट हम लोग देखते आ रहे हैं कि ऊपर तो जाने की कोशिश कर रही है और ऊपर से हम लोग को एक हेवी सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एग्जैक्ट कॉपी कर रहा है डाउ जोन्स की, यूएस मार्केट को ही पूरी तरीके से फॉलो कर रहा है बिकॉज वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट के वो आ रहे हैं, उसके अलावा डर लगा हुआ है फेड का। तो ये बहुत सारी चीज़ें चल रही है जिसकी वजह से एग्जैक्टली रिप्लिका हो रहा है यूएस मार्केट का हमारी मार्केट पर। आप किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, तो एक बार यूएस 30 को एक बार स्टडी करते हैं, आफ्टर दैट अपनी मार्केट को स्टडी करते हैं, कौन से स्टॉक्स पे फोकस रखना है उसकी भी बात करते हैं। अगर बाय चांस डिप आती भी है तो कौन से स्टॉक्स पे हम फोकस रख सकते हैं जो हमें अच्छा रिटर्न दे सकती है, उसके बारे में भी हम एक दो मिनट बात कर लेंगे। अब कल मंडे आ गया है तो एक प्योर तरीके से ट्रेड्स लेना स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम पे तो आई हैव ऑलरेडी सजेस्टेड यू कि मैं आप लोगों को प्रोवाइड्स करवाया जा रहा हूँ दिन में एक या दो निफ्टी बैंक निफ्टी के ट्रेड्स प्लस स्टॉक्स मैं आप लोगों को दे देता हूँ। तो मेक श्योर आप उधर फॉलो सेटअप करके रखो एंड एक ही जगह फॉलो करो, बिकॉज अगर आप मल्टीपल चैनल्स की तरफ जाओगे तो एक कुछ और सजेस्ट करेगा, एक कुछ और करेगा, तो आपको स्टिक रहना है आपको किसकी एनालिसिस समझ में आ रही है। जरूरी नहीं है कि वो एनालिसिस 100% एक्यूरेट रहेगी, तो आपको आज प्रॉफिट दिख रहा है कि कल भी प्रॉफिट दिख सकता है, कल लॉस भी हो सकता है, शायद दूसरा चैनल उस दिन प्रॉफिट दे दे, तो ये मतलब नहीं होता कि आप उधर शिफ्ट हो जाओगे एंड आफ्टर दैट वहाँ लॉस हो रहा है तो फिर आप इधर शिफ्ट हो रहे हो। सो यू हैव टू मेंटेन एक प्रॉपर सेटअप, एक स्ट्रैटेजी के साथ चलो। स्ट्रैटेजी ये नहीं है कि आपको खुद डेवलप करनी है, स्ट्रैटेजी वो भी हो सकती है कि आपने एक बंदे को फॉलो करा, उसे ही फॉलो कर रहे हो, जो वो सिखा रहा है वो सीख रहे हो एंड उसे इंप्लीमेंट कर रहे हो, ठीक है। सो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं कौन से स्टॉक्स पे फोकस रख सकते हैं एंड निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या करना है। हाय गाइस, तो हम लोगों ने यूएस 30 का चार्ट ओपन कर लिया है डाउ जोन्स का, एक बार इसको स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक सिंपल हम लोग यहाँ पर देखते हुए आ रहे हैं, लोअर लोज एंड लोअर हाइज मेंटेन हो रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक फॉल आया, एक पुल बैक लिया, अगेन एक शार्प फॉल आया, ऑलमोस्ट सेम साइज का फॉल आया है। आफ्टर दैट इट क्रिएटेड अ डबल बॉटम। RSI भी बुलिश है तो कोई डाइवर्जेंस हमें देखने को नहीं मिल रहा एंड आफ्टर दैट इस लेवल पे इट टेक्स अ पॉज एट दिस पर्टिकुलर, ठीक है। सो यहाँ पर जो रैली थी ऑन अ डाउन ट्रेंड साइड की, वो रैली को ऐसा डबल बॉटम पे सस्टेन कर लिया है। अभी जो रिजेक्शन लिया था वो एग्जैक्टली जो पुल बैक आया था इस पुल बैक पे लिया था। इतना हमें पता चल चुका है कि ये रेंज एक पूरी डिफाइन हो चुकी है, इस रेंज के अंदर जब तक गया है तब तक एक कंसोलिडेशन जोन है। ये कंसोलिडेशन जोन दो तरीकों से हो सकते हैं, एक एक्यूमिलेशन और एक डिस्ट्रीब्यूशन। एक्यूमिलेशन क्या होता है, जब लोअर लेवल्स पे स्टॉक एक रेंज के अंदर बन जाता है आफ्टर अ वेरी गुड फॉल, तो उस रेंज के अंदर बन के अगर वो ऊपर की साइड ब्रेकआउट देता है दैट मीन्स कि लोअर लेवल्स पे जो रेंज बनी है, जो कंसोलिडेशन पीरियड था, वहां पे लोगों ने बाइंग करना स्टार्ट करी है, एक्चुअल में बायर्स एंटर हुए हैं और हल्के हल्के सेलर्स ने पोजिशन को स्क्वायर ऑफ करा है। बट अगर ये रेंज के अंदर ये नीचे लेवल पर ब्रेक होता है दैट मीन्स कि डिस्ट्रीब्यूशन और बढ़ा है, दैट मीन्स कि यहाँ पर जो सेलर्स का पॉइंट ऑफ व्यू है, जो बियरिशनेस है, वो और ज्यादा बढ़ रही है। ये बहुत रेयर केस में होता है। कैसे, आपने देखा होगा एक फॉल आई, सिंपल एक मूवमेंट अपवर्ड आई एंड आफ्टर दैट फॉल आया, यहाँ कोई कंसोलिडेशन देखने को नहीं मिला। बट अगर यहाँ पर भी कंसोलिडेशन के बाद डबल बॉटम के बाद या एक और ट्रिपल बॉटम भी बन जाता है तब ब्रेक करता है, तब एक सीरियसनेस देखने को मिलती है कि हाँ अगर इसने ब्रेक करा है तो क्या कंसिस्टेंट फॉल आ रहा है। अगर देखिए यहाँ दो तरीकों से हो सकता है, चलिए मैं इस रेंज को बढ़ा देता हूँ, बहुत बढ़िया कंसेप्ट बता रहा हूँ सीखने का, सीख लेना। ये फॉल आया, इसने एक कैंडल ऐसी बना दी, ठीक है, लाल आप ये देख सकते हैं, ठीक है, एक बियरिश कैंडल बना दी, कोई बात नहीं, हमने देखा एक रेंज का ब्रेकडाउन हो गया। क्या इस कैंडल पर हमें ट्रेड करना है, क्या ये एक बियरिश सिग्नल है? नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन फेज दो तरीकों के होते हैं, अगर मार्केट हायर हाइज है और ऊपर बन के नीचे फॉल आता है, ऊपर कंसोलिडेट हो जाए और तब नीचे ब्रो करे, उसे डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, वो परफेक्ट होता है। बट अगर मार्केट ही बियरिश है और यहाँ पर रेंज बाउंड हो और तब बियरिश फॉल दे, वो डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है बट एज अ फॉल्स ब्रेकडाउन भी हो सकता है, टू ट्रैप रिटेल ट्रेडर्स। अब वो इंटेंशनली नहीं करता है, वो इनइंटेंशनली होता है, बट आप लोगों को लगता है कि वो ट्रैप कर रहे हैं। कैसे, तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं ना, तो उनके पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है, जो उन्हें एग्जिट करनी होती है। सो क्या करते हैं, जब ये एक इस लेवल को ब्रेक करते हैं, जैसे इस लेवल को ब्रेक करते हैं, हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स क्या देखते हैं, ओ ये लेवल ब्रेक हुआ, लेट शॉर्ट द मार्केट, ठीक है। तो हम जैसे ही शॉर्ट करते हैं, बहुत तेजी से नीचे आना स्टार्ट होता है, वो यहाँ पे अपनी सारी शॉर्ट की क्वांटिटीज को एग्जिट कर लेते हैं एंड नेक्स्ट कैंडल आप देखते हो कि कुछ इस तरीके की बन जाती है, ग्रीन कलर की, सिंपल। तो यहाँ पर आपको स्टडी करना है कि अगर ब्रेकडाउन आता है इस लेवल के नीचे तो क्या वो कंसिस्टेंट नीचे जा रहा है। अगर जा रहा है देन इट्स वेरी फाइन, तो हम एक सिंपल शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और एनी पुल बैक विल रिजल्ट इनटू अ शॉर्ट सेलिंग, सिंपल। बट अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है आफ्टर अ वेरी लॉन्ग कंसोलिडेशन, सो दैट मीन्स कि लोअर लेवल्स पे बाइंग हुई है, सेलर्स अपनी पोजीशन को एग्जिट करके गए हैं,
एंड एक फ्रेश बाइंग पोजिशन बन सकती है एंड मल्टीपल लेवल्स पे वो रेजिस्टेंस तो लेगा बट ऑन दी एंड ऑन अ हायर टाइम फ्रेम ये ऊपर जाएगा ही जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया कि यहाँ पर रिजेक्शन लिया, यहाँ डबल बॉटम बना, मैंने यूएस का खोल रखा है। लेट्स ओपन निफ्टी एक बार। ठीक है, सो निफ्टी पे मैं सब कुछ हटा रहा हूँ, निफ्टी पे भी अगर आप चेक करोगे यहाँ पर आप देख सकते हो इस इट डजंट क्रिएट अ डबल बॉटम, इसने यहाँ पर डबल बॉटम क्रिएट नहीं करा, मैं इसको थोड़ा लाइट कर देता हूँ। ठीक है, बट आप देख सकते हो एक हायर हाई बना हुआ है, इसके अलावा ये एक रिजेक्शन पॉइंट है। ठीक है, ये एक रिजेक्शन पॉइंट है, इस लेवल से गैप डाउन आया, इसी लेवल पर रिजेक्शन लिया और कल के दिन फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन पे भी इसने यहाँ पर एग्जैक्टली फॉलो करा। सो यहाँ पर हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये एक रेंज डिसाइड हो चुकी है। एक ट्रेंड लाइन मैं ये भी बना सकता हूँ कि शायद इस ट्रेंड लाइन को वो रिस्पेक्ट करे और ऊपर जा पाए। यहाँ पर आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि यूएस मार्केट ने तो डबल बॉटम बनाया बट यहाँ पर एक हायर बॉटम बना है। ठीक है, दैट मीन्स कि इंडियन मार्केट अभी भी उस फेज में नहीं है कि वो ज्यादा बियरिशनेस दिखा सके। आप क्लियर देख सकते हो कुछ ज्यादा फॉल नहीं आई है एज कंपेयर टू यूएस, तो हमारी मार्केट अभी भी स्ट्रांग है। हम अभी सीतारम रमन जी ने भी कहा था कि यूएस डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है ना कि हमारी इंडियन रूपी वीक हो रहा है। सो वो पॉइंट अगर आप अच्छे से समझोगे तो आपको पता चलेगा हमारी रुपी डिप्रिशिएट ज़्यादा नहीं हो रही है बट यूएस स्ट्रेंथ हो रहा है उसका डॉलर, उसकी वजह से सारी कंट्रीज के जो करेंसीज हैं वो डिप्रिशिएट हो रही है। ठीक है, सो वो एक रिजल्ट फैक्टर पड़ रहा है। बट अभी के लिए हम क्या कर सकते हैं कि मार्केट एक सिंपल कंसोलिडेशन जोन में है, मैं इसे ना बियरिश कहूंगा ना इसे मैं बुलिश कहूंगा। क्या होगा, मार्केट खुलेगी, गैप अप खुलेगी, नीचे चली जाएगी, नीचे पे आखिरी टाइम पे एक बाइंग आ जाएगी, अगर गैप डाउन खुलेगा तो बाइंग आ जाएगी, आखिरी टाइम पे एक सेलिंग आ जाएगी, तो पूरा रेंज बाउंड सेशन मेंटेन है। करना क्या है, 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। सो ना 30 मिनट्स टाइम फ्रेम आप देख सकते हो अभी यहाँ पर एक लोअर हाई क्रिएट हुआ है। ठीक है, अगर ये नीचे जाता है और फाइनली इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देता है, अभी ये रेंज है, मैं इस रेंज को भी हटा रहा हूँ। ठीक है, इसको भी हटा रहा हूँ, ये एक सिंपल रेंज बन चुकी है क्योंकि ये हायर आया और एक अभी रीसेंट स्विंग लो है। अगर ये इस लो को ब्रेक करता है, इस हाई को ब्रेक करता है, तो हमें अपनी एक डेस्टिनेशन पता चलेगी कि ये कहाँ रिएक्ट करेगा। ठीक है, या तो नीचे जाएगा या तो ऊपर जाएगा और उसके बेसिस पे यूएस 30 को भी हम डिराइव कर सकते हैं कि वो ब्रेक डाउन देगा या एक्युमुलेशन के थ्रू ऊपर जाएगा, वो सारी हमें फाइनली पता चल जाएगा। अब देख सकते हो यहाँ पर मल्टीपल अप्स एंड डाउन्स आए हैं, तो मल्टीपल सपोर्ट, ये फॉर एग्जांपल एक ये सपोर्ट हो गया, फॉर एग्जांपल एक ये रेजिस्टेंस हो गया, तो ऐसे मल्टीपल सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें दिखते रहेंगे जिसकी वजह से मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी ऊपर जाएगी नीचे जाएगी पूरे दिन में। हमें एक पॉइंट पकड़ना है जिस पे हम एक बार बाइंग का थोड़ा सा पैसा कमा पाएं और एक बार सेलिंग करके थोड़ा सा पैसा कमा पाएं बट अर्ली एग्जिट कर पाएं, जल्दी एग्जिट कर पाएं कि वो टर्न अराउंड ना आ जाए, क्योंकि यहाँ पर हर जगह पे मल्टीपल माइनर माइनर सपोर्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, आपको ये चीज याद रखने की इस बड़ी रेंज के अंदर मल्टीपल सपोर्ट्स रेजिस्टेंस हैं जहां पर पर्टिकुलर स्टॉक ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, बिकॉज बीच में कभी बायर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, एक घंटे बाद देखोगे तो सेलर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, तो वो पूरा उस तरीके से चल रहा है, तो आपको बहुत सेफ प्ले करना होगा। बैंक निफ्टी को एक बार ओपन कर लेते हैं, बैंक निफ्टी को भी मैं सारी चीजें रिमूव कर देता हूँ, क्लियर बेसिस पे हमें पता चल गया ये एक पर्टिकुलर स्विंग हाई है एंड दिस इज आवर स्विंग लो। ठीक है, ये पर्टिकुलर एक पूरी रेंज है, एग्जैक्टली इस लेवल पे इसने एक डबल टॉप क्रिएट करा है एंड इस लेवल पे एक डबल बॉटम क्रिएट करा है। ठीक है, यहाँ पर मैं एक जोन अगर एक्सटेंड करता हूँ तो मोस्ट प्रोबेबली ये इस लेवल का जोन देखने को मिल जाएगा, अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो मोस्ट प्रोबेबली शायद वो इस जोन पे जाके ले ले। ठीक है, अगर ये लेवल भी ब्रेक करता है तो शायद इस जोन में जाके ले ले। तो यहाँ पर मल्टीपल्स आप देख रहे हो ना, हर पॉइंट पे स्टॉप लॉस सॉरी सपोर्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, सो आपको उस तरीके से ट्रेड करना है, थोड़ी फास्ट ट्रेड करना है और जल्दी एग्जिट करना है। सो मार्केट अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट देती है देन यस वी कैन प्ले अ लॉन्ग साइड, एनी डिप अकर्स विल एक्ट एज अ लॉन्ग अगर हमें यूएस मार्केट को फॉलो करना है, बिकॉज अगर आप सोच रहे हैं यहाँ पर टेक्निकलिटी या टेक्निकल्स चल जाएंगे तो यूएस मार्केट में जो चल रहा है एग्जैक्टली वो रेप्लिका यहाँ पर फॉलो हो रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ स्टॉक्स की, तो सबसे पहले मैंने एक ब्रिटानिया का स्टॉक रखा हुआ है एंड इसका मैं डेली टाइम फ्रेम ओपन कर, नॉट डेली, लेट्स ओपन वीकली टाइम फ्रेम। सो ना वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप चेक करोगे आफ्टर अ वेरी लॉन्ग अप मूव, एक इसने फॉल लिया यहाँ, इसने साइडवेज मार्केट गई, बट आफ्टर दैट ये जो स्ट्रॉन्ग कैंडल देख रहे हो ना, एग्जैक्टली इस स्ट्रॉन्ग कैंडल से ही एक बड़ा फॉल आना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर देखा गैप अप हुआ और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, सो ये एक रिजेक्शन पॉइंट है। आप देख रहे हो ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, अभी इसने थोड़े टाइम पहले यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस लिया है। सो बट अगर आप चेक करोगे तो ये एग्जैक्टली ऊपर की तरफ ट्रेड कर रही है, आप देख पा रहे हो ऊपर की तरफ ट्रेड कर रही है, यहाँ पर सस्टेन कर रही है और बार बार ऊपर जाने की कोशिश कर रही है अपने हर सपोर्ट लेवल से, और रेजिस्टेंस उसका सिर्फ एक ही पॉइंट है।
अगर मल्टीपल सपोर्ट से वो ऊपर जा रही है और रेजिस्टेंस एक है, सो अगर वो लेवल ब्रेक होता है देयर इज हायर चांस कि वो अपने प्रीवियस स्विंग हाई दैट इज दिस लेवल तक जा सकता है। अब ट्रेड कैसे करना है, लेट्स ओपन अ 2 आवर्स टाइम फ्रेम, ठीक है। सो ऑन अ 2 आवर्स टाइम फ्रेम यहाँ पर आप देख सकते हो आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग रेंज, इस लाइन के नीचे लॉन्ग रेंज मेरा ब्रेकआउट दिया, आप देख रहे हो ब्रेकआउट के बाद इसने एक फॉल करा बट उसके बाद कंसोलिडेट, सो राइट नाउ इट्स मेकिंग अ फ्लैग एंड पोल पैटर्न। अगर ये इस रेंज, ये वाला जोन मैंने बना रखा है, ये जोन का जो रेजिस्टेंस है दैट इज 3835, अभी ट्रेड कर रहा है 3800 पे, अगर ये इसके ऊपर निकलता है और एक अच्छी बुलिश कैंडल क्लोज करता है, अ फर्स्ट टारगेट शुड बी इट्स दिस प्रीवियस स्विंग हाई जो कि ये पर्टिकुलर लेवल होगा, ठीक है। अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग करता है तो हमारे नए हाई लेवल्स ओपन हो जाएंगे जो कि ऑल टाइम हाई है ब्रिटानिया का, तो इसको भी जरूर फॉलो करके चल सकते हो। अगर इसने ब्रेकआउट दिया तो आई पर्सनली थिंक ये सस्टेन भी कर सकता है। अब आते हैं दूसरे स्टॉक पे, दैट इज डॉक्टर रेडी। तो इसका मैं आप सबसे पहले यहाँ चेक कर सकते हो ना 2 आवर्स टाइम फ्रेम, ये एक बहुत अच्छा जोन है जहाँ पर मल्टीपल रेजिस्टेंस इसने ले रखे थे, आफ्टर दैट ब्रेकआउट दिया, इसने पुल रेजिस्टेंस रिट्रेसमेंट लिया, सपोर्ट लिया, एंड आफ्टर दैट एक प्रीवियस स्विंग हाई क्रिएट करा, अगेन नीचे आया, ये देख रहे हो दिस इज द बुल बियरिश कैंडल, यही पॉइंट्स होता है जहाँ पर एक टर्न अराउंड आता है, इसने इस लेवल का ब्रेकडाउन करा, आफ्टर दैट ऑन अ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम आप देख सकते हो इट क्रिएटेड अ हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है। और उसका यहाँ पर इस लेवल पे, लेट मी शो यू, इस लेवल पे इसने ब्रेकआउट दिया है, आफ्टर अ ब्रेकआउट ऊपर गया, रिजेक्शन मिला, नीचे आ गया। अगर कल ये कल के ट्रेडिंग सेशन पे इस लेवल के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज करता है दैट इज 4325 के ऊपर 15 मिनट की भी कैंडल क्लोज होती है, हम अपना एक बाय ट्रेड ले सकते हैं एंड हमारा टारगेट होगा 4370 4380 रुपीज का, एंड ये टारगेट्स हम लोग इजिली मीट कर सकते हैं अगर मार्केट रेंज बाउंड टू स्लाइटली बुलिश हुई। याद रखिएगा अगर मार्केट स्लाइटली बुलिश है तो ये ट्रेड्स आपको अच्छा पैसा दे सकते हैं रादर देन सेलिंग के, ठीक है। सो अब आखिरी स्टॉक है बैंक ऑफ बड़ौदा, ये मैं बहुत बार आई थिंक आप लोगों को दे ही चुका हूँ एंड मैं आपको तब भी एक बार दे देता हूँ बिकॉज अगर मार्केट वीक हुई तो ये पर्टिकुलर स्टॉक हमें फ्यूचर्स ऑप्शंस कैश हर जगह अच्छा पैसा दे सकता है। सो मैं 4 आवर्स का टाइम फ्रेम ओपन करता हूँ आप लोगों के लिए क्लियर। आपको पता है ये एक लॉन्ग टर्म चैनल के अंदर था, एक बहुत अच्छे चैनल के अंदर रेंज बाउंड था, आफ्टर दैट इसने एक बियरिज फ्लैग पैटर्न क्रिएट करा, आफ्टर अ वेरी गुड फॉल चैनल का ब्रेकडाउन है, बियरिज फ्लैग पैटर्न है एंड लेट मी ओपन अ 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है। और मैं इसका डेली टाइम फ्रेम ओपन, नॉट डेली टाइम फ्रेम, लेट्स ओपन 2 आवर्स टाइम फ्रेम। सो ऑन अ 2 आवर्स टाइम फ्रेम आप देख रहे हो 200 डे की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यह सपोर्ट भी है एग्जैक्टली एट दिस पर्टिकुलर लेवल और ये एक रेंज है, लेट्स ओपन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। अब इसको मैं हटा रहा हूँ एंड हमें सेल कहाँ करना है, जैसे ये पर्टिकुलर रेंज, ये जो एक कंसोलिडेशन पीरियड के अंदर है ना, ये देख रहे हो आप एक पूरा कंसोलिडेशन पीरियड के अंदर ये काम कर रहा है इस रेंज के अंदर आफ्टर अ वेरी गुड फॉल। अगर ये इस लेवल का ब्रेकडाउन करता है, या देख सकते हो मैंने अलर्ट भी ऑटोमेटिकली लगा रखा है कि अगर 129 का लेवल ब्रेक करता है, एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज करती है, एक क्लियर शॉट बना सकते हैं और अगर मार्केट बियरिश हुई तो यहाँ पर हम लोगों को एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। अब टारगेट्स क्या हो सकते हैं, सबसे पहला टारगेट तो डेफिनेटली यही लेवल होगा जहाँ से इसने एक अपमूव देना स्टार्ट करा है जो कि 126.60 है, जो कि फ्यूचर्स पे यार ऑप्शंस लोगे तो यार आपको आराम से पैसा मिल जाएगा, ठीक है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है एक सडन डेथ यहाँ तक हमें देखने को BOB में देखने को मिल सकती है, आफ्टर दैट और फॉल आएगा, हम उसे कंटिन्यूसली स्टॉप लॉस ट्रेल के साथ ऊपर शॉर्ट की पोजीशंस को होल्ड करके रख सकते हैं। सो ये 3 स्टॉक्स है, ये मार्केट की एनालिसिस है, आई होप आपको पसंद आया होगा, मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब अवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल। बाय बाय।